हेलो एवरीवन। तो आपका कंसेप्ट ऑफ सॉल्यूशन होने वाला है। बढ़िया क्वेश्चन है ये। आपको एक्सप्रेशन दे रखा है, ठीक है, इसको आपको सिंपलीफाई करना है और फिर आपको वैल्यू बतानी है कि इसका आंसर क्या होगा। ठीक है, तो चलो इसको करते एक बारी। मैं थोड़ी इसको लिख लेता हूँ सही से। ठीक है, तो देखो भाई, आपको तो सबसे पहले क्वेश्चन समझना है, सिंपल है। 2 स्क्वायर माइनस 1 ये ब्रैकेट के अंदर है, फिर यहाँ पे प्लस 1/4 स्क्वायर माइनस 1, फिर ये आपका ब्रैकेट, फिर प्लस 1/6 स्क्वायर माइनस 1। ठीक है, फिर आपका ब्रैकेट के अंदर है प्लस 1/20 स्क्वायर माइनस 1। ये तो यार सबको दिख रहा है कि सर ये 1/2 का स्क्वायर सबको पता है कितना होता है, सर ये 4 होता है 4 माइनस 1। ठीक है, बिल्कुल कॉन्सेप्चुअली चल रहा है, एक एक स्टेप। फिर आपका क्या हो जाएगा, आपका क्या हो जाएगा, प्लस 1/4 का स्क्वायर आपको कितना होता है 16 माइनस 1, प्लस फिर आपका 1/6 का स्क्वायर 36 माइनस 1, फिर आपका यहाँ पे 20 का स्क्वायर 400 माइनस 1, ये सबको पता है। ठीक है, फिर यहाँ पे 1/4 माइनस 1 3 हो जाएगा, प्लस 1/16 माइनस 1 आपका 15 हो जाएगा ना, बिल्कुल सर। फिर आप यहाँ पे प्लस 1/36 माइनस 1 35 हो जाएगा, फिर आपका प्लस यहाँ पे आपका 400 माइनस 1 करोगे 399 हो जाएगा। अब आपको इन सब का एलसीएम लेना है। ठीक है, सीधे हम टाइम वेस्ट नहीं करते, सीधे हम एलसीएम निकाल लेते हैं 3, 15, 25, 3, 9, 9 का। ठीक है, ये 35 है भैया। अब देखो सबसे पहले 3 से ही से वो कर लो, 3 1 3 3 5 15, ये 35 ऐसे आएगा, 3 1 3 3 3 9 3 3 9, फिर ये आपका किससे होगा, 5 से होगा, ये 1 तो आ ही रखा है, 5 1 5 5 7 35 1 3 3 आपका ऐसे रहेगा, फिर ये आपका 7 से होगा, 7 1 7 1 7, और ये आपका कितना होगा 7, ये 7 से होगा 7 1 7 एंड 6 50 60 7 9 60 19 प्राइम नंबर है, तो ये आपका 19 सही होगा। बस इनको मल्टीप्लाई कर दो, 3 × 5 × 7 × 19, 3 5 कितना होता है 15 × 7, 15 7 कितना होता है 105 × 19 कर लो, 19 5 45 का 5 carry 4, और यहाँ पे आ जाएगा 19 1 9, ऐसा होगा ना, 19 5 90 sorry 19 5 तो 95 का 5 carry 9, ये 9 1 9 9 5 आ गया। ठीक है, इन सब का जब हमने एलसीएम लिया तो एलसीएम हमें कितना मिल रहा है, यहाँ पे सर एलसीएम मिल रहा है हमें 1995। ठीक है, ओके सर, ऊपर क्या है आपका, देखो ध्यान से देखना, 3 को हमने कितने से मल्टीप्लाई करा, 3 को हमने कितने से मल्टीप्लाई करा, 1995 आएगा, 3 से इसको डिवाइड कर दो, ये हो जाएगा आपका कितना, 3 6 3 6 18, फिर से 9 3 6 18, 3 5 15, 6 6 5 से हमने उसे क्या कर दिया, मल्टीप्लाई करा था, तो हमने 3 को न्यूमरेटर को भी उसी से मल्टीप्लाई करते हैं, फिर आगे प्लस 15 को किससे मल्टीप्लाई करा, 19995 आया, 15 से इसको डिवाइड कर दो, आपको पता चल जाएगा। ठीक है, 15 1 15 होता है, देखो 15 1 15 1 15, वहां पे कितना बचा 4 49, 15 3 45, कितना बचा 4 45, 15 3 45, 133 आपका आ गया। ठीक है सर, फिर आगे प्लस 35 को कितने से मल्टीप्लाई करा, 1995 है, ये शायद 5 से करा होगा इसको, है ना, ये आपको 5 से करा होगा, किससे करा होगा, 35 को किससे करा है, हाँ, एक बार इसे चेक कर लेना है हमें, 35 को हमने किससे मल्टीप्लाई करा है, 35 36 माइनस 1, तो आपके 35 हो गया, 665 133, और ये हो जाएगा आपका 35 को, देखो अगर हमने इसे 5 से करेंगे, 35 से ना इसे डिवाइड कर लेते हैं यार, सिक्योर हो जाएगा, है ना, 35 1 जा नहीं, ये कितना हो जाएगा, 3 6 जा 18, ये आपका 5 टाइम जाएगा। ठीक है, 5 5 25 का 5 5 3 जा 15 16 17 175 9 5 4 9 7 2, यहाँ से आपका 5 आ गया, अभी आपका 7 टाइम जाएगा, 7 5 35 का 5 3 7 6 21 24 57, तो हमने उसको किससे मल्टीप्लाई करा, 57 से, तो उसके न्यूमरेटर को भी हम 57 से करेंगे, 57 आ जाएगा, प्लस 399 को किससे मल्टीप्लाई करा, 1995 आया, वो 5 से करा, उसके न्यूमरेटर 1 को भी हम 5 से करेंगे, अब इनको प्लस कर दो, 7 5 12 13 14 15 15 5 20 का 02 हो गया, 52 कितना हो गया, 7 7 3 10 10 6 16 का 6 16 का आपका कितना होगा, 6 carry 1, और यहाँ पे 1 2 6 2 8 8 60 upon 1995 को हम करेंगे, तो ये 19 यहाँ पे 8 है 1995, अभी से हम रिड्यूस करेंगे 5 से हो जाएगा इजीली, है ना, 5 1 जा 5 3 बचा 36 5 7 जा 35 2 बचा 10 5 2 जा 10, ठीक है, इसे भी करो, 5 3 जा 15 कितना बचा 49, फिर आपका कितना हो जाएगा
फाइव नाइन जा 45, कितना बचा फिर वहां पे 45 बचाना, तो फिर यहाँ पे आपका 59 जा 45, ठीक है। तो 172/399 ये आ गया, जो कि आपका ए वाला ऑप्शन है, 172/399, ठीक है। होप आपको गाइस ये समझ आया होगा पूरा, यहाँ पे आपको कंसेप्चुअल सॉल्यूशन आपको समझ आया होगा। ये आपका पूरा क्वेश्चन था, देख लो, और ये आपका पूरा सॉल्यूशन हो गया। इसमें आपको देखो कैलकुलेशन थोड़ी फास्ट रखनी होती है, और फास्ट कैलकुलेशन आपकी कम बनती है जब आप जितनी बार बार लगातार आप प्रैक्टिस करते हो, ऑटोमेटिकली आपकी हैबिट बन जाती है, ठीक है। फिर भी कोई दिक्कत होती है तो आप बता देना, आपका भी कोई डाउट है तो आप कमेंट कर देना। बाकी वीडियो को आप लाइक कर सकते हो, शेयर कर सकते हो, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर, ठीक है। ओके गाइस, ऑल द बेस्ट।